आज मैं बनाने जा रही हूँ बेसन ब्रेड टोस्ट। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये थोड़ा थोड़ा ब्रेड ऑमलेट जैसा भी खाने में लगता है। और आप इसे इवनिंग स्नैक्स भी ले सकते हैं या तो फिर ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं। ये खाने में बहुत ही हेल्दी होता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं पायल, आपका मेरे चैनल कुक विद पायल में बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले हम एक बाउल पर 1 कप बेसन डालेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून के करीब कटे हुए प्याज। फिर हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून कद्दूकस किए हुए गाजर, 1 टेबलस्पून शिमला मिर्च, इसे भी मैंने काट लिया है। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे इसमें, 1/2 टीस्पून हल्दी का पाउडर, 1/2 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1/2 टीस्पून आमचूर का पाउडर और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। इन सबको हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं। अच्छी तरह से मिलाने के बाद अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे और एक पतला बैटर हमें बना लेना है। ये देखिए, इस तरह से हमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाना है। और ये मैंने 1/2 कप इसमें पानी डाल दिया है। और ये देखिए, इस तरह का बैटर हमें बना लेना है। तो हमारा बैटर रेडी हो गया है। अब हम एक पैन गरम कर लेते हैं और गैस के फ्लेम को हम लो पर रखे रहेंगे। फिर पैन में हम थोड़ा सा तेल लगा लेंगे। आप इसमें घी या बटर भी लगा सकते हैं। फिर हम एक ब्रेड ले लेंगे और इस तरह से बेसन में डिप कर लेंगे। और ये देखिए, इस तरह से हमें पैन पे रखते जाना है इसे। गैस के फ्लेम को हमें लो पर ही रखे रहना है, नहीं तो ये जल भी सकते हैं। और इसे एक तरफ से 1 मिनट के लिए फ्राई होने देते हैं। और ये देखिए, 1 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे पलट देते हैं और दूसरी तरफ से भी 1 मिनट हम इसे फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए, 1 मिनट हो गए हैं। अब ये दोनों तरफ से अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। अब हम इन सबको प्लेट पर निकाल लेंगे। ये देखिए, और ये देखिए, हमारे बेसन ब्रेड टोस्ट बनकर तैयार हो गए हैं। बहुत ही हेल्दी होते हैं ये खाने में। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आप इसे इवनिंग स्नैक्स भी ले सकते हैं या तो फिर ब्रेकफास्ट भी ले सकते हैं। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सकें। थैंक यू।